जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ठीक हाईवे के किनारे उत्तम नगर नाम के जगह पे पहुंच गया हूं और यहां पे मैं पहुंच गया हूं काजल नर्सरी में। आज का जो टॉपिक है वो है विदाउट फ्लावरिंग, ऐसा प्लांट जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं, उसमें फूल तो नहीं आता लेकिन पत्ते देखने में बहुत खूबसूरत होता है और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जी हाँ, यदि आप इसी तरह के प्लांट के शौकीन है जो कम केयर में बढ़िया चल सके, यदि आपके पास समय की कमी है तो आप ऐसे प्लांट को अपने जगह नर्सरी, आप अपने इस ऐसे प्लांट को अपनी बागवानी में शामिल करें जिसमें जो कम केयर में बढ़िया चलता है और प्रकृति का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये सारे ही प्लांट्स ऑक्सीजन के बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। चलिए आज देखते हैं उन्हीं प्लांट्स को जिसमें फ्लावर तो नहीं आता लेकिन प्रकृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ इस काजल नर्सरी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भाई साहब से हैं, आइए उनसे जानते हैं सबसे पहले उनका नाम और इस काजल नर्सरी का प्रॉपर लोकेशन किस जगह है, ताकि आप यदि घर से इस नर्सरी के तरफ रुख करें तो आपको आसानी हो यहाँ तक पहुँचने के लिए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और प्रॉपर लोकेशन यदि आप बता दें अपनी नर्सरी का, ताकि कस्टमर यहाँ तक आसानी से पहुँच जाए। मेरा नाम है रवि कुमार, मेरी नर्सरी का एरिया है उत्तम नगर गुरुद्वारे से 500 मीटर पीछे, न्यू सिद्धू पैलेस के पार्किंग में। ठीक हो गया रवि भाई, आज मैं अपने YouTube फैमिली के लिए आपके नर्सरी में जो मौजूद है वो कुछ ऐसे प्लांट को देखेंगे जिसमें फ्लावरिंग तो नहीं होती है लेकिन पौधा बहुत बढ़िया होता है और 24 घंटे उससे ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो चलिए रवि भाई, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला कौन सा प्लांट है बताइए। ये हमारा एरोकेरिया, ये एरोकेरिया है इस पौधे का नाम। जी जी, ये आपको मिल जाएगा 120 रुपए में। 120 रुपए का ये एरोकेरिया, ये एरोकेरिया का प्लांट है जिसका रेट इस काजल नर्सरी में क्या है रवि भाई? 120 रुपए। कुल 120 रुपए का ये प्लांट है दोस्तों, और ये परमानेंट प्लांट है। ये कभी आपने एक बार यदि लगा दिया तो आपके नर्सरी से जाएगा नहीं। बहुत बढ़िया, इसे आप आउटडोर भी रख सकते हैं और इनडोर में भी रख सकते हैं। इनडोर में रखने पे इसको बीच बीच में धूप दिखाने की जरूरत पड़ती है, यानी कि सप्ताह में एक आध दिन आपको धूप दिखाना पड़ेगा। क्या दिखा रहे हैं? पेंसिल पाइन। ये लीफी होता है यानी कि पत्तेदार प्लांट होता है। हाँ। कि इसको कहाँ रखा जाता है, आउटडोर या इनडोर? ये आउटडोर इनडोर दोनों में रखते हैं। दोनों में रखा जाता है। हाँ, इसको और बोलते हैं वो क्रिसमस ट्री। ये क्रिसमस ट्री है और इसमें हमेशा ही पत्ते बने रहते हैं। हाँ। इसमें पतझड़ आता ही नहीं आपका? नहीं नहीं। और इसको हम कैसे केयर करें, किस मिट्टी में इसको हम रखें? इसको जैसे जो नॉर्मल मिट्टी जो होती है उसमें गोबर का खाद मिला लें, उसको थोड़ा सा उसमें मिक्स करने के बाद उसके अंदर लगा दें पॉट में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बीच बीच में इसको खाद देने की जरूरत पड़ती है? हाँ, हर 3 महीने में खाद दे देते हैं। और खाद के तौर पर बेस्ट कौन सा खाद होता है? बेस्ट तो होता है एनपीके। एनपीके खाद। हाँ। इसके लिए बेस्ट है। कितनी मात्रा में, जो छोटा सा पॉट में कितनी सी मात्रा में? थोड़ा सा, कम से कम 30-40 दाने। 30-40 दाने काफी होगा इसके लिए। और इसमें कीड़े का भी अटैक होता है क्या? हाँ, कीड़े के लिए स्प्रे होती है इसमें। अगला प्लांट क्या दिखा रहे रवि? मोर पंखी। और इसका कीमत क्या है? इसका कीमत है 100 रुपए। कुल 100 रुपए का प्लांट है। ये कितना दिन पुराना प्लांट होगा? ये आपका होगा 2 महीने पुराना। अच्छा, और इसके लिए सबसे बेस्ट गमला का साइज क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा आपका 12 इंची गमला। और इसको हम कहाँ रखें, आउटडोर या इंडोर? कहीं भी रख सकते हैं आप। पानी की कितना जरूरत होता है इसको? आउटडोर में ज्यादा, इंडोर में कम। आउटडोर में ज्यादा, इंडोर में कम। सर्दी के मौसम में इसमें पतझड़ आता है क्या? नहीं, इसमें पतझड़ नहीं आता है। मौसम में ये ज्यादा बढ़िया ग्रो करता है, गर्मी में बढ़िया चलता है। और इसमें भी खाद के तौर पे हम गोबर की खाद देते हैं। रवि भाई, अगला कौन सा प्लांट दिखा रहे हैं आप? ये गोल्डन साइकस। गोल्डन साइकस बहुत प्यारा प्लांट है, ये पत्ते भरे हुए हैं। और इसका रेट क्या रखे आपने? इसका है सर 150 रुपए। 150 रुपए का प्लांट है ये।
और ये जितने भी प्लांट आपने दिखाए इन सभी प्लांट के लिए क्या गोबर की खाद ही बेस्ट है? और आउटडोर या इंडोर सारे प्लांट क्या है? दोनों आउटडोर इंडोर जहां मर्जी आप रख लें। सर्दी के मौसम में ये थोड़ा डल हो जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ऐसा है क्या? कम हो जाता है, कम हो जाता है, जैसे धूप निकलने लग जाता है ग्रोथ इसमें आने लग जाती है, बढ़ जाता है। बहुत खूब। अगला प्लांट आप क्या दिखाने वाले हैं? ये एरिका पाम। एरिका पाम, इसकी केयर कैसे करें? इसका केयर ये ज्यादा बड़ा हो जाए तो 14 इंची गमले में, छोटा रहे तो 12 इंची गमले में। अच्छा, ये आउटडोर इंडोर दोनों है, इसमें गोबर की खाद डालिए वो भी बेस्ट है इसके लिए। गोबर की खाद कितने दिन पे देनी चाहिए? ये हमको चाहिए 1 महीने में, गुड़ाई डाल के गुड़ाई कर दी जाए खुरपी से बढ़िया करके, तो पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं? इसके जड़ से यानी कि बेबी प्लांट इससे निकलते रहता है, सही बात है। अगला प्लांट ये ब्रह्म कमल का है जिसे आप देख रहे होंगे, बिल्कुल कमल जैसा ही इसमें लीफ है, पत्ता इसका बिल्कुल कमल जैसा ही खिला हुआ है और खूबसूरत सा प्लांट है। ये इंडोर प्लांट है और इसकी केयर हम कैसे करें अधिकतर लोग को ये नहीं पता होता, इसीलिए नर्सरी से खरीद के तो ले जाते हैं लेकिन फिर वो इनके घर पे ज्यादा बढ़िया ग्रो नहीं करता है, सूख जाता है। इसलिए इस ब्रह्म कमल को हम कैसे केयर करें जानते हैं इसी नर्सरी के ओनर रवि जी से। रवि जी, इसकी केयर टिप्स यदि आप बता सके तो। इसका केयर करने के लिए इसको लगाने से पहले गोबर की खाद थोड़ा सा मिक्स करो, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 दिन में पानी लगाना है, उससे पहले पानी नहीं लगाना नहीं तो ये गल जाएगा। इसी वजह से कस्टमर कहते हैं कि हमारे घर ग्रोथ नहीं कर रहा, हमारे घर सूख गया। इसमें पानी की जरूरत बहुत कम होती है, हल्की पानी की जरूरत बहुत कम होती है और डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना होता है। ये पाम का कौन सा वैरायटी है रवि भाई? रवीनिया पाम। रवीनिया पाम, ये छोटे से आपने लगा रखे हैं कट्टे जैसे ग्रो बैग में, इसमें क्या कीमत है इसका? इसका कीमत है 80 रुपए। कुल 80 रुपए का प्लांट है, ये परमानेंट प्लांट है बिल्कुल। आउटडोर इंडोर दोनों प्लांट है ये, और इसको भी खाद की जरूरत पड़ती है? गोबर की खाद लगाना है। रवि भाई, गोबर की खाद की जो बात हम कर रहे हैं, गोबर की खाद कितने पुराना गोबर का खाद होना चाहिए जिसे हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? 1.5 से 2 साल पुराना खाद होना चाहिए, उससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और ये रवि भाई, अगला कौन सा प्लांट आप दिखाने जा रहे हैं? लैला मजनू। ये है लैला मजनू। इसका लैला मजनू का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ऊपर का हिस्सा इसका अलग और पत्ते के नीचे वाले हिस्से को आप देखेंगे तो रेडिश टाइप का है, इसी वजह से इसका नाम लैला मजनू पर है। और लैला मजनू के केयर टिप्स यदि आप बता सके तो मेरे दर्शकों। इसको भी ये भी आउटडोर इंडोर दोनों है, इसको भी गोबर की खाद लगाओ थोड़ा सा और हर 3 महीने 6 महीने पे इसकी गुड़ाई करते रहो, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और पानी का ख्याल कैसे रखें, पानी कितना चाहिए? एक दिन में आउटडोर में रख रहे हो तो 1 दिन में 1 बार और इंडोर रख रहे हो तो 3 दिन में 1 बार। इस प्लांट को बढ़िया ग्रो करने के लिए क्या इस मिट्टी में नमी बना के रखना पड़ेगा? जी, आउटडोर है तो नमी बना के रखना पड़ेगा और इंडोर है तो नहीं बनाना पड़ेगा। इंडोर है तो अपने आप स्लो ग्रो करेगा, तो उसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। अगला प्लांट ये क्रोटोन का एक वैरायटी है, स्टोन डस्ट क्रोटोन बोलते हैं इसको। इसकी केयर टिप्स के बारे में जानते हैं रवि कुमार जी से। रवि कुमार जी, इसको 12 इंची गमले में रखना है, उसमें बहुत बढ़िया चलता है ये, उसमें गोबर की खाद मिक्स करके लगाओ। स्नेक प्लांट का कितना वैरायटी अपने पास अवेलेबल है? स्नेक प्लांट का अपने पास 2 वैरायटी है। ये छोटा वाला वैरायटी जो है ये छोटा ही रहता है? हाँ, ये छोटा ही रहता है, ये फैलता रहता है, ये फैलता है लेकिन हाइट इसका इतना ही रहता है। ऑक्सीजन छोड़ता है 24 घंटे। ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत ये माना जाता है क्योंकि इससे नॉन स्टॉप ऑक्सीजन रिलीज होता रहता है जो पर्यावरण की ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक बार यदि आपने अपने बागवानी में लगा दिए तो ये बागवानी से जाएगा नहीं बल्कि 1 से 2, 2 से 4 ये होता रहेगा। और 50 रुपये का कुल प्लांट है, पोली बैग में लगा हुआ प्लांट है, इस वजह से रेट इसका थोड़ा कम है
बहुत ही बढ़िया प्लांट है ऑक्सीजन लेवल के लिए और कम केयर में बढ़िया ग्रो करने के लिए ये प्लांट बहुत सबसे बढ़िया प्लांट माना जाता है। अब ये बड़े वेराइटी जो है स्नेक प्लांट का, ये क्या रेट का है? ये भी 50 रुपए का। अच्छा, इसमें भी एक से ज्यादा वेराइटी मुझे दिख रहा है। एक वेराइटी ऐसा है जिसके किनारे ये येलो सा लाइनिंग बना हुआ है और दूसरा जिसमें ये लाइनिंग नहीं है, पूरे का पूरे ग्रीनरी में ये आपको मिलेगा। कोई सा भी प्लांट आप यहाँ से चूज करें स्नेक प्लांट का, एक ही रेट का है और वो है 50 रुपए का। सदाबहार प्लांट है ये, कभी मुरझाएगा नहीं, कभी इसमें पतझर नहीं आएगा, ऐसे ही हमेशा ये बना रहेगा। ये तो कुछ ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर तो नहीं देता, फूल तो नहीं देता, लेकिन बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए ये बहुत बढ़िया प्लांट है और कम केयर में चलने वाला ये सारे प्लांट है। यदि आपके पास टाइम की कमी होता है या आप रोज प्लांट की केयर नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो इस तरह का प्लांट खास आपके लिए ही है, क्योंकि ये सारे प्लांट ऐसे थे जिसको हमें डेली केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अमूमन इसमें महीने में एक या दो दिन यदि धूप में रख दिए तो बढ़िया ग्रो करेगा और खाद भी इसको 2-3 महीने पे जरूरत पड़ती है, रिपोर्टिंग की जरूरत साल में एक बार पड़ती ही है। ये सारे प्लांट बहुत ही बढ़िया है, मुझे उम्मीद है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर में जो वीडियो मैंने बनाया था आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आ जाए तो मेरे इस YouTube चैनल बबलू की बगिया को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो मैं जगह जगह जाके बनाता रहता हूँ ताकि आपको घर बैठे प्लांट के बारे में, प्लांट के केयर के बारे में पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी और नई लोकेशन में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।